हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है और वो जो सीरीज़ है वो डेडिकेट किया है मैंने जितने भी आर्ट लवर्स हैं और जितने भी लोग हैं जो आर्ट चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आता हूँ। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिसमें से आप बैकग्राउंड वॉल कैसे बनाएं, आप पीछे की जो चीज़ें प्रेजेंटेशन है वो भी एक मायने रखती है, तो वो चीज़ें कैसे बनाएं वो लास्ट के एपिसोड में मैंने आपको बता दिया। आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं आर्ट को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आर्ट का पैशन है मुझे, हॉबी है, लेकिन उसको टाइम मैनेज कैसे करूँ मैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज बच्चे हैं, जॉब है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों के लिए मैंने एक आज का जो मैंने बनाया है, जो और आर्ट यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी, कि उनको भी ये रहती है, कंप्लेन रहती है कि मुझे टाइम नहीं मिलता तो कब मैं बनाऊं। तो इसके लिए मैं अपने जो पोर्शन है लाइफ का वो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, कुछ जो पर्सनल लाइफ है मेरी वो शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैं टाइम को मैनेज करता हूं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली के बारे में, तो मेरी जो दो बच्चे हैं वो मेरे साथ रहती हैं हमेशा, और वाइफ जो है वो बैंकर हैं तो बैंक में जाती हैं, तो फिर सारा टाइम वो लोग मेरे साथ रहते हैं, तो दिन भर मेरे साथ रहते हैं, तो फिर आप सोच सकते हो कि कैसे मैं टाइम को मैनेज करता हूँगा मैं। तो इसमें ही कुछ जो पोर्शन है मैं टाइम मैनेज करता हूँ, कैसे दिन भर अगर मैं उनके साथ रहता हूँ तो कुछ टाइम ऐसे मुझे मिलते हैं जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो वो जो पोर्शन है, जैसे उनके जो ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ये सारी चीज़ों के बाद अगर मुझे कुछ टाइम मिलता है, अगर उनको कुछ चीज़ें, अगर वो बिज़ी होते हैं कुछ टॉयज़ में या फिर किसी चीज़ में, तो उस दौरान मैं जो भी आर्ट बनाता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि एवरी डे मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो वो जो आर्ट वर्क है वो कब बनाता हूँ, तो दिन भर में क्या करता हूँ कि दिन में अगर मुझे जहाँ पे भी अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं जो ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी वॉइस ओवर है वो नहीं देता। मैं वॉइस ओवर में उस टाइम पे देता हूँ जब ये दोनों सो रहे हों या फिर मैं उनसे दूर हूँ, तो मैं उस टाइम पे ये जो वॉइस ओवर है जो भी मैंने आर्ट वर्क किया उसका मैं देता हूँ। तो ये एक है आपके लिए कि एक्सपीरियंस होगा आपको कि एक अच्छा कि आप पहले आर्ट वर्क का बना ले, अगर आप आर्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप जितने भी चीज़ें हैं आप पहले बना सकते हैं, बाद में उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि आपने एक घंटा एक्सटेंड करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप रात में अगर आप सोने जा रहे हो तो आप एक घंटे या दो घंटे आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, दो घंटे या तीन घंटे, और या फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो, जैसे 4 o'clock मैं उठ जाता हूँ, 4 o'clock उठ के फिर मैं अपनी जो एवरी डे का जो अपलोड है वहाँ पर मैं बनाने के बाद फिर मैं एडिटिंग करता हूँ मैं, क्योंकि एडिटिंग भी एक पार्ट है, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो एडिटिंग भी आपको आनी चाहिए, और ऑन स्पॉट आपको उसी टाइम पे चीज़ें करनी है, अगर उसमें कुछ करेक्शंस हैं तो वो भी चीज़ें करनी होंगी। और जैसा कि मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा आपको कि एडिटिंग कैसे करते हैं, तो कुछ मैं आपको, जैसे कि मेरी दो बेटियाँ हैं, मैंने आपको बताया था कि आव्या और आयरा, तो उनके जो जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, उनके जो मैं जो मोमेंट्स शेयर करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड जो है वो चेंज है, और ये बहुत ही मैं एक जो वीडियो लाया हूँ मैं वो आप लोगों के लिए है, और इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मेरे पास आर्ट के लिए टाइम नहीं है, या फिर मैं अगर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं आर्ट यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो मेरे पास उतना सफिशियंट टाइम नहीं है, और मैं टाइम कब मैनेज करूँ, तो उसके लिए मैं अपनी जो डेली रूटीन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो आप जो सेटअप देख रहे हैं, ये पीछे की जो चीज़ें देख रहे हैं, ये भी एक पार्ट है मेरे जो डे टू डेली लाइफ का है। तो आज मैं दो ऐसे मेंबर को मिलाना चाहूँगा जो मेरा एक पार्ट हैं और हर समय मेरे साथ ही रहते हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा इनको। हेलो, हेलो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जॉनी, जॉनी, ईटिंग शुगर, टेलिंग गाइ, ओपन माउथ, ये, ये, कम कम है। अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ, यस, about you, about yourself, okay, my name is Avya, I'm girl, I'm 4 years old, I study generation A, I'm go to school, I pick this school, I live in Mira Road. Wow, thank you. And what about your sister? My name is your sister. Ayra, come here. तो मैंने ये क्यों दिखाया आपको, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे जो रिक्वेस्ट थे कि मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहता, तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सुबह से लेके, जैसे अभी अभी इनका जो ऑनलाइन क्लास है वो ख़त्म हुआ है, तो सुबह से जो
स्केड्यूल है कुछ वैसा ही रहता है जैसे अभी आप देख रहे हो कि सारा टाइम मैं दिन में इनके साथ ही रहता हूँ, और बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं, और एक जो क्वालिटी टाइम है मेरी इनके साथ जाती है और मुझे खुशी भी मिलती है इसमें, क्योंकि मैं इन लोग के साथ रहता हूँ। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो ये सारा टाइम मेरे साथ हैं। और मम्मा किधर है? मम्मा ऑफिस गई है। मम्मा ऑफिस है। मम्मा जो है वो बैंकर हैं, तो उनकी जो जॉब है वैसी तो जॉब ऑफ नेचर ऐसा है तो फिर उनको जाना ही पड़ता है। तो ये दोनों जो है शैतान मेरे साथ हैं, तो आप देख सकते हो हर चीज़ें इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनफैक्ट मैं भी नहीं रोकता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि ये एक पार्ट है लाइफ का, जो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको अपने से खुद से करना है, और आपको देखना है कि कहाँ पे चीज़ें टाइम आपको है वहाँ पे कि चीज़ें आप वहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब मुझसे पूछोगे मैं सारा दिन अगर बिज़ी रहता हूँ तो फिर अपना एवरीडे जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ वो कैसे करता हूँ मैं मैनेज, या फिर जो स्टूडेंट के लिए मैं असाइनमेंट बनाता हूँ नए वाले वो कैसे बनाता हूँ मैं। तो उसके लिए जब भी मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है, जैसे कि इनके स्कूल ख़त्म होने के बाद, इनका लंच होने के बाद, तो फिर मैं जब ये सो जाते हैं या फिर मुझे उसके दौरान मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं कुछ अपने जो आर्ट वर्क है वो बना लेता हूँ, लेकिन उसमें मैं जो वॉइस ओवर है वो नहीं देता हूँ मैं। तो इनके साथ में कुछ चीज़ें जो आर्ट वर्क है वो बना लेता हूँ, और वॉइस ओवर में इनके सोने के बाद या फिर रात में जब मुझे एडिट करना होता है तब उस टाइम पर मैं वॉइस ओवर देता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको मुझे मैनेज करनी होती है। तो ये मुझे पता है कि मेरा अभी डे टू डेली लाइफ में मेरी चीज़ें कैसी हैं और मुझे कैसे मैनेज करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको खुद से भी देखनी है कि आप कहाँ पे ऐसा टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कभी कभी दिन में अगर टाइम नहीं मिले तो फिर मैं रात में या फिर इनके सोने के बाद 11 या 12 एक बजे तक या 2 बजे तक मैं ऐसे कभी ड्राइंग कर लिया, और उसके बाद तो या फिर दूसरा ये होता है कि या फिर आप मॉर्निंग का ले, कभी कभी मैं 4 बजे सुबह उठ के फिर अपना वर्क कम्प्लीट करके फिर मैं रेंडर करके जो भी अपलोड्स हैं वो मैं करता हूँ मैं। तो ये मेरी एक डे टू डेली लाइफ है जो एक पार्ट है मेरे लिए, कोई संडे और सैटरडे जो भी है सब सेम है। तो इन सब चीज़ों को मेरा मकसद यही था कि आपको मैं बताऊं, और जो भी आर्ट से रिलेटेड अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर कोई आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस तरह से अपना जो टाइम है वो चीज़ें कर सकते हैं ऐसे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको ही करना है, और इसके लिए जो भी आपको टिप्स रहेगी ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो मैं हमेशा देता रहूँ आपको। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मैं ये बोलूँगा कि आप जो भी टाइम है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सीरीज़ ही है पूरा कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, जैसे चीज़ें अभी आप पीछे देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने जो वीडियोज़ है उसको एडिट कैसे करता हूँ, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपना थंबनेल बनाता हूँ तो थंबनेल कैसे बनाता हूँ, फोटोशॉप में मैं बनाता हूँ वो सारी चीज़ें, तो कैसे वो क्या प्रोसेस है, कौन सा चीज़ें हैं जिसको मैं ध्यान में रखता हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें। और भी इसके अलावा कि आप अगर यूट्यूबर हैं तो अगर आपको अभी जैसे आपको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 आवर्स चाहिए, तो वो चीज़ें कैसे होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं भी इस सीरीज़ में आपको बताऊँगा, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी तक के लिए तो इतना ही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो अभी मैंने जो अभी आज का जो वीडियो लिया था वो इसके लिए कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, और आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप अगर आप जितना लेट करेंगे उतना आप पीछे जाएंगे। तो जितना जो चांस है अभी अभी जो लॉकडाउन का टाइम है, तो आप अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप एज सून एज़ पॉसिबल आप ट्राई करें, हेल्प मैं करूँगा। और दूसरा ये, अगर आप आर्ट में रुचि रखते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप को लगता है कि कब मैं आर्ट स्टार्ट करूँगा मैं स्केचिंग या पेंटिंग, तो अभी भी टाइम है, आज ही टाइम है, और 24 आवर्स में से अगर एक घंटे भी अगर आप निकालते हो तो आपके लिए काफ़ी होता है, वो एक डेडिकेटेड आर है वो आपके लिए होना चाहिए। तो यही सब है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो कैसे मैं मैनेज करता हूँ चीज़ों को, और एक मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो कोरोना से बचने के लिए जैसे आपको मैंने बताया है या सबको पता है कि सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, लेकिन कैसे यूज़ करना चाहिए कि कोरोना वायरस से कैसे बचते हैं? ये कोरोना वायरस से इसको ऐसे सूख दे दो, और ऐसे ये करती हूँ, ये ऐसे वाला ऐसे मैं करती हूँ, अब सूख जाता है।
ऐसे छोटा और ऐसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे कोरोना वायरस चला जाएगा। हाँ, तो ऐसे करो। ओके, ऐसे करने से कोरोना वायरस चला जाएगा। अब ये चीची हो क्या? आप किससे करूं? मैं आपको बताया कि ये जो दोनों हैं ये मेरे डे टू डे लाइफ में ऐसा पार्ट है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, और इनकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो मेरा दिन भर, और मुझे इंस्पिरेशन भी इन लोगों से ही मिलता है कि जो चीज़ें इनको पसंद होती है, जो चीज़ें बनाना या कुकिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक डेली लाइफ में एक पार्ट हो चुका है। और जैसे लॉकडाउन है इसका मैंने बहुत बेनिफिट लिया है इन लोगों के साथ। तो अभी स्कूल भी घर से है और हर चीज़ें अभी घर से ही हैं। तो इनफैक्ट हम लोग 6 मंथ से घर पे ही हैं, तो हम बालकनी, घर, बेडरूम या फिर बाहर, ऐसे ही हम लोग, हमारा जो अभी लाइफ हो रहा है वैसे ही हो रहा है, और साथ में आप लोगों का। तो मेरा तो टाइम जैसे कि इवनिंग के बाद आप लोगों के साथ ही जाता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बीच बीच में उनको भी मैं एंटरटेन करता हूँ। और उसके बाद जैसे नाइट में, मैंने आपको बताया कि नाइट में फिर मैं जो भी टाइम मिलता है तो नाइट में अपना जो डे एवरी डे का जो अपलोड है यूट्यूब में वो, और दिन में मैं अपने कॉन्सेप्ट्स बनाता हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टाइम कैसे मैनेज करें। तो दिन का जो टाइम है, अगर आप बच्चों के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं, आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो आप जो प्लानिंग करें, जो भी आप दिन का जो टाइम है उसमें आप प्लानिंग करें, प्लानिंग करके कि आपको क्या बनाना है। अगर रात को अगर आपको टाइम मिलता है, या फिर मैं दो तरीके से टाइम मैनेज करता हूँ, या तो आप एक रात को कर सकते हैं एक, या फिर अर्ली मॉर्निंग। तो ये जो दोनों टाइम है वो प्राइम टाइम है, जिसमें आपको शोर भी नहीं मिलेगा, जितना भी आपको बैकग्राउंड का जो नॉइज़ होता है वो नहीं मिलेगा, आपको अकेले आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि जो अच्छे तरीके से नॉइज़ जो है आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम एक एक मोमेंट जो है इसको भी हमें नहीं खोना चाहिए, यहाँ पे जो चीज़ें। और ये जो है ये मेरे से ज़्यादा पॉपुलर है आव्या, और इसके वीडियोज़ मेरे से ज़्यादा ट्रॉल करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपका नाम? ये रोज है और ये तेल का है। ये अभी शिव का सेवास्तु है, इसका ही दोस्त है, और ये जो बेबी है, बेबी बेबी बल, ये जो है क्या कि तुम मुझे हैप्पी डे टू को सवेरे एंड मैं विद यू चैनल कर रही हूं। तो आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? हां क्या कुछ बताओ तुम्हारे YouTube चैनल के बारे में? रेनी सीजन बनाती हूं। ये मेरा पहला इंटरव्यू है किसी यूट्यूबर का। तो जैसे आप बताइए आप कौन सी क्लास में? सी रिवर पॉन्ड ये सब क्या है? What is that? Rainy. These are the sources of water. Okay. Sources of water. These are the sources of water. Once again. What are the sources of water? Ocean, sea, river, pond, lake, rainy. Very good. और मैं ये चबी चबी जादू पर कोरोना वायरस रहती है, तो फिर चबी चबी जादू तो फिर कोरोना नहीं रहती, मैं मास्क पहन के तो फिर मैं बड़ी हो रही थी। तो ये जो टॉयस है, ये सब टॉयस है, आप देखो इसका ये गाना चलते देखो, ठीक है? अब ये आप का देखो, ये सारा अनबॉक्सिंग चल रहा है अभी। अभी आप जो देख रहे हैं ये अनबॉक्सिंग है और रिव्यूज हैं जो टॉयज हैं, जो अभी अभी टॉयज आए हैं। तो इसका आप चला और यहाँ पर कहीं है देखो, तो मैं कुछ जो इनके वीडियोस है वो भी शेयर करूंगा, और होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप लोग को मैनेज करना है।
और ये दोनों के लिए ही है, जैसे आप आर्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप आर्ट में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि कब कब से मैं टाइम निकालूँ, तो यही एक टाइम है क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ सीख भी सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प हो आप उनसे ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और वेबसाइट भी है, वो दोनों के थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि एक पूरा सीरीज़ है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आप अगर एक आर्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट के एपिसोड में आपको बताया कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप कैसे कैमरा कैसे हैंडल करते हैं या फिर आपको लाइट सेटअप कैसा होना चाहिए या जहाँ पे मेरा वर्क स्पेस कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।